दो दिन पहले ये फोन लेके गए थे तो उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं रहता, स्क्रीन में रह सकता है लेकिन बॉडी में स्क्रैच तो नहीं लिखा हुआ है, वो क्लियरली मेंशन है कि यूज्ड फोन है। वो हम समझ रहे हैं सर, लेकिन इसलिए मैं फेयर या गुड कंडीशन में नहीं लिया, सुपर कंडीशन में लेते हैं, सुपर कंडीशन में कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अगर तो सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, नहीं तो पूरा वीडियो देखने का कुछ फायदा भी नहीं होगा। पर उससे पहले मैं सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने इस वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया और सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, कॉमेंट किए, और ऑलमोस्ट मैं सारे कॉमेंट का रिप्लाई कर रहा था, बट फिर भी कुछ ऐसे भी कॉमेंट थे जिनका आंसर मुझे खुद भी नहीं पता था, तो मैंने रिसर्च किया और इस वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने कॉमेंट में भी दिया हुआ है, बट हाँ उससे क्या हुआ कि इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे अगर उसके भी मन में ऐसा कुछ सवाल है तो उन्हें भी आंसर मिल जाएगा। खैर चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो मैं आपके भी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। सो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। अब बात करते हैं इस आईफोन की, तो ये है आईफोन 12 प्रो 128GB का, और इसको मैंने कितने में खरीदा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें मुझे कितना डिस्काउंट मिला और इसके साथ मुझे गिफ्ट भी मिला जिसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था, बट हाँ कैसे मिला वो सारी चीज़ें बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे ये गिफ्ट ले सकते हैं। अगर आप कोई रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको भी ये गिफ्ट ज़रूर मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो इन रिफर्बिश्ड स्मार्टफोनों के बारे में। और हाँ इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर इससे किसी को बुरा लगेगा तो, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सही जानकारी देना है। That's it. और हाँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है कि मैं कोई गलत जानकारी दूं, और होता भी तो मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं देता। Let's get started. अच्छा तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आईफोन 12 का ओरिजिनल बॉक्स जिसमें कैशिफाई का एक स्टिकर लगा हुआ है, और ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर सेलर आईफोन का डब्बा देता है या फिर एक्सेसरीज वगैरह भी देता है तो वैसे कंडीशन में आपको सारे ओरिजिनल बॉक्स, ओरिजिनल चार्जिंग केबल वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, बट हाँ सेलर नहीं देता है तो क्या होगा वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑफलाइन के कैशिफाई स्टोर से कोई स्मार्टफोन खरीदेंगे ना रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन, तो उस वक्त हो सकता है कि आपका जो बॉक्स मिले वो ओपन हो या फिर सील पैक भी हो सकता है, और ये चीज़ आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इस वीडियो में मैंने दिखाया है किस तरह से एक बॉक्स ओपन था और एक बिल्कुल सील पैक था, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई नया कस्टमर आता है ना तो ये लोग स्मार्टफोन को खोल कर दिखाते हैं, और अगर ना पसंद हो तो फिर कोई और स्मार्टफोन दिखाते हैं, और यही एक फ़ायदा हो जाता है ऑफलाइन में बाय करने का कि आप चुन चुन कर देख सकते हैं स्मार्टफोन लेने से पहले, अगर एक पसंद ना हो तो दूसरा देख सकते हैं, दूसरा पसंद ना हो तीसरा देख सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे स्मार्टफोन आप देख के ले सकते हैं। खैर बॉक्स कैसा भी हो मुझे तो फ़ोन से मतलब है। ओके तो बॉक्स खोलने के बाद मुझे मिला है स्मार्टफोन, सो कीप इट साइड फॉर अ मोमेंट, लेट्स चेक व्हाट एल्स वी हैव गॉट इनसाइड द बॉक्स। सो सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग केबल मिला है, लाइटनिंग केबल जो कि यूएसबी टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हाँ ये एक ओरिजिनल केबल है, केबल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, भले थोड़ा गंदा हो चुका है बट हाँ क्वालिटी बहुत अच्छा है। अच्छा एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि अब जो आईफोन अपने केबल बना रहा है ना, यानी कि चार्जिंग केबल की बात कर रहा हूँ या फिर उसके ईयरफोन वगैरह आते हैं, उनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। पहले क्या होता था ना 7-8 महीना यूज़ करने के बाद उनके चार्जिंग केबल में कोई जान नहीं रहता था, चार्जिंग केबल उखड़ जाते थे, टूट जाते थे, टियर आउट हो जाते थे, बट इस चार्जिंग केबल को देखिए, मुझे लगता है कि इस स्मार्टफोन को 1 साल से ज़्यादा यूज़ किया गया है, क्योंकि इसमें आपको ब्रांड वारंटी नहीं मिलती है, तो ये स्मार्टफोन तो कंफर्म है कि 1 साल से ज़्यादा यूज़ किया गया है, बट स्टिल द क्वालिटी ऑफ द चार्जिंग केबल इज रियली गुड, इम्प्रेसिव। नाउ लेट्स हैव अ लुक द ब्यूटीफुल पर्पल आईफोन 12। यार सच में हाथ में पकड़ने के बाद इतना मस्त फीलिंग आ रहा है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस पर्पल कलर, ना बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, कलर जो है ना आईफोन वालों ने बहुत ही सही चूज़ किया हुआ है। और आईफोन की खास बात है यार, पकड़ने के बाद ऐसा लगता है ना कि फ़ोन नहीं ये ज्वेलरी हाथ में पकड़ा हुआ है, और हम लड़कों के लिए तो यही ज्वेलरी होता है ना, हमें सोने की चेन चाहिए ना ही हीरे की अंगूठी, हमें अगर कुछ चाहिए तो वो है आईफोन, बस एक आईफोन दिला दो काफ़ी है। ओके एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई रिफर्बिश्ड आईफोन खरीदते हैं ना तो ज़रूर इसको चेक कर लें अच्छी तरीके से कि इसमें कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, और स्क्रैचेस अगर होंगे ना तो वो आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखेंगे जब तक आप इसमें प्रॉपर लाइट नहीं डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही स्क्रीन में है, ना ही इसके बैक ग्लास में कोई स्क्रैचेस है, और ना ही साइड वगैरह में कहीं आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। एक स्क्रैच मुझे देखने को मिला है इसके लोअर एंटीना के सामने, और वो भी बहुत ही माइनर है, और ये बिल्कुल विजिबल था ही नहीं, मैंने लाइट बढ़ाया और कैमरे में बहुत ही जूम करके देखा है तब मुझे नजर आया है ये स्क्रैच। और जब भी आप आईफोन खरीदें ना तो स्क्रैचेस दो जगह में जरूर आपको चेक करना चाहिए, पहला है इसका चार्जिंग पोर्ट,
चार्जिंग पोर्ट के पास स्क्रैचेस आपको अमूमन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जब भी हम चार्जिंग केबल उसमें घुसेड़ते हैं ना, तो कई बार हम जबरदस्ती घुसेड़ देते हैं या फिर कभी कभी अनजाने में भी स्क्रैचेस आ जाते हैं जब भी हम उसे चार्ज में लगाते हैं तो। और दूसरा जगह है इसका कैमरा रिंग, जो कि इसकी लेंस को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर आपको अमूमन स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लोग आईफोन को बिना कवर के यूज़ करते हैं ना, और वो जब आईफोन को रखते हैं किसी सर्फेस पर, तो सबसे पहले स्क्रैचेस कैमरा रिंग में ही आता है। तो ये दो जगह आपको जरूर से अच्छी तरीके से देख लेना है। और हाँ, एक टिप मैं आपको भी दे देना चाहता हूँ, अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो कभी भी आप कोई हार्ड केस यूज़ ना करें। जब भी आप कोई कवर केस यूज़ करते हैं तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखें कि अंदर कोई सॉफ्ट मटेरियल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई कवर केस खरीद रहे हैं अपने आईफोन के लिए, तो ये देखें कि उसके अंदर सॉफ्ट कुशन है या नहीं है। खैर, अगर देखें तो ये कोई मेजर स्क्रैच तो मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है कि ये कोई स्क्रैच है। मतलब ऐसे आप देख नहीं सकते जब तक कि आप इस पर बहुत ज़्यादा लाइट ना डालो। बट फिर भी देखते हैं कि इनका वेबसाइट क्या कहता है सुपर कंडीशन के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है, एज साइनी एंड स्क्रैचलेस एज न्यू, वन और टू स्क्रैचेस ऑन स्क्रीन एंड नो फंक्शनल डिफेक्ट। मतलब कि ये तो लिखा हुआ है कि एक दो स्क्रैचेस आपको स्क्रीन में देखने को मिल सकते हैं, बट थैंकफुली इसमें मुझे स्क्रीन में कोई स्क्रैचेस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि स्क्रीन का स्क्रैच जो है ना वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ये स्क्रैच टॉलरेट किया जा सकता है। सो या कंडीशन मुझे अच्छा लगा है, बट हाँ फिर भी इस स्क्रैच को लेकर मैंने क्या किया ये देखिए। अभी हम आ चुके हैं कैशिफाई के स्टोर में, जहाँ से हमने ये स्मार्टफोन लिया था। चलिए देखते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं इस स्क्रैच के बारे में। ब्रांड प्रमोटर, हाँ सर, हेलो सर जी। ये हम दो दिन पहले ये फ़ोन लेके गए थे, उस वक्त तो पता नहीं था मेरे को कि क्या है, लेकिन यहाँ देखिए एक स्क्रैच है। और आपका वेबसाइट में लिखा हुआ है कि अगर आप सुपर कंडीशन का कोई फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं रहता, स्क्रीन में रह सकता है लेकिन बॉडी में स्क्रैच तो नहीं लिखा हुआ है। तो इसका क्या कीजिएगा बताइए, हम तो ऐसा फ़ोन तो लेंगे नहीं। मतलब जो आपने वेबसाइट में लिखा है उसके हिसाब से तो मुझे सही फ़ोन नहीं मिला है। बहुत ज़्यादा नहीं है स्क्रैच, ऐसा माइनर है लेकिन फिर भी है स्क्रैच। क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर, फ़ोन में कोई इशू आ रहा है? नहीं, फ़ोन में कोई इशू नहीं है, फ़ोन बहुत अच्छा है। ठीक है, फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा है, कैमरा वगैरह सब अच्छा वर्क कर रहा है। सर देखिए, पहला चीज़ है कि आपने यूज्ड फ़ोन परचेस करा है, क्योंकि बाहर बोर्ड में आपको क्लियरली मेंशन है कि यूज्ड फ़ोन। वो हम समझ रहे सर, लेकिन देखिए जो आपका वेबसाइट कह रहा है कि आप अगर सुपर कंडीशन में लेते हैं, इसलिए मैं फेयर या गुड कंडीशन में नहीं लिया, सुपर कंडीशन में लेते हैं। सुपर कंडीशन में कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ लिखा हुआ है कोई स्क्रैच नहीं होगा, और यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ मेंशन है सर, आप देखिए यहाँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ स्क्रैच है, यहाँ एक है। ठीक है सर, कि आपको माइनर स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे सर, आपके वेबसाइट में मेंशन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल दिखलाइए सर। ये आपका सुपर कंडीशन हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, मैं क्या लिखा हुआ है, एज साइनी एंड स्क्रैचलेस एज न्यू, मतलब कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। As shiny and scratchless. One or two minor scratches. Screen पे लिखा हुआ है, body पे नहीं लिखा हुआ है। देखिए, one or two scratches. Screen defect. तो screen में तो कोई नहीं, और होता भी तो हम कुछ नहीं बोलते आपको, क्योंकि आपका वेबसाइट यही कह रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ है, तो आप क्या करें इसका? सर एक आध स्क्रैचेस तो माइनर होते हैं सर। ठीक है, हम आप ये नहीं बोल रहे कि आप वापस ले लीजिए, लेकिन इसके लिए हमको कुछ गिफ्ट वगैरह दे दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। ठीक है, क्या रिजोल्यूशन चाहिए सर? हमको कुछ तो गिफ्ट दीजिए, ताकि सर गिफ्ट में कैसे प्रोवाइड करूँ ये आप बताओ। जो भी आपको लगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं आपके, तो कुछ भी आप दे दीजिए गिफ्ट जो सर, कंपनी ने वहाँ तो ये नहीं मेंशन किया ना कि आपको स्क्रैच मिलते हैं तो वो हम समझ रहे करो, आपको गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका प्राइस मुझे कितना पड़ा है। तो ये है आईफोन 12 128GB वाले वेरिएंट, और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 41,903 रुपीस। बट अगर आप 64GB वाले वेरिएंट लेंगे, वो भी फेयर कंडीशन में, तो आपको 33,000 रुपीस पड़ जाएगा, और अगर आप गुड कंडीशन में लेंगे तो 35 के आसपास आपको पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप गुड या फिर सुपर कंडीशन में खरीदें। फेयर में कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पार्ट आपको चेंज किए हुए भी मिलते हैं, और वो चीज़ मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि आप लोगों ने उस वीडियो में मुझे पूछा था, और उसका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत लोगों को जानना ज़रूरी था।
उसमें से किसी ने पूछा था कि मान लीजिए मैंने एक आईफोन खरीद लिया रिफर्बिश्ड, वो भी कैशिफाई से, तो कैशिफाई वाले क्या करते हैं, कभी कभी बॉक्स नहीं देते हैं और ना ही ओरिजिनल बिल देते हैं। दैट मीन्स आपको कैशिफाई का बिल मिलेगा और कैशिफाई का अगर बॉक्स मिलेगा तो वैसे कंडीशन में एप्पल सर्विस सेंटर वाले कैसे उस स्मार्टफोन में सर्विस देंगे। मतलब मान लीजिए कि अगर स्क्रीन डैमेज हो गया या फिर कुछ भी ऐसा मेजर पार्ट डैमेज हो जाता है जिसको आप एप्पल के सर्विस सेंटर से ठीक करवाना चाहते हैं, तो फिर क्या एप्पल वाले उस स्मार्टफोन को ठीक करेंगे? क्योंकि एप्पल वाले सबसे पहले बॉक्स मांगेंगे और उसके बाद फिर आपको बिल मांगेंगे। तो इस कंडीशन में आप एक चीज कर सकते हैं, आपको जो रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन का बॉक्स मिला है कैशिफाई की तरफ से, वो और कैशिफाई का बिल दिखाकर भी आप सर्विस ले सकते हैं। और ये मैं कैशिफाई के स्टोर मैनेजर से कंफर्म करके बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन था कि मैंने आईफोन XS लिया है और उसका ऊपर वाला स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं कैशिफाई से, तो उसमें आपको 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलता है और ऐसे कंडीशन में आप अपने स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कैशिफाई की तरफ से 6 मंथ का वारंटी भी मिलता है। तो अगर मान लीजिए अगर 6 महीने के अंदर भी आपके स्मार्टफोन में कुछ गड़बड़ी आ जाता है तो आप सर्विस सेंटर में जा सकते हैं और वो लोग ठीक करके आपको दे देंगे। एक और क्वेश्चन आया था कि कैसे पहचान कि आईफोन रियल है या नहीं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन खरीदते हैं ना कोई रेपुटेटेड कंपनी से, जैसे कि कैशिफाई हो गया, टू गुड हो गया, इन सारी कंपनियों से जब भी खरीदते हैं ना, तो वो लोग आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही देंगे। हाँ, उसमें हो सकता है कि इंटरनल कोई पार्ट्स चेंज किया गया हो, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक आईफोन में स्क्रीन कैसे चेंज किया गया था, तो इसको आप चेक कर सकते हैं 3U टूल से। वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट चेंज किया गया है और कौन सा ओरिजिनल है, तो ये आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या कैशिफाई पर भरोसा किया जा सकता है। तो भाई ये तो आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बट हाँ मेजोरिटी पीपल का देखें तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और मैंने अभी तक जितना भी खरीदा उसमें सारे में मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। सो या यू कैन ट्रस्ट कैशिफाई, नो प्रॉब्लम। बट हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ऑफलाइन स्टोर से लें, वहाँ देख कर लें ताकि आपको समझ में आए कि हाँ उसमें क्या खराबी है और क्या खराबी नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी के बहुत सारे गुड विशेस आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे काम को अप्रिसिएट किया है, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन। सच में आप लोगों का ऐसा कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप देख सकते हैं कि जैसा ही कमेंट आता है वैसे ही तुरंत मैं रिप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ। सो कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरीके के नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सलाम, माय नेम इज साकिर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।